और खबर पटना से, जहां पर शकील अहमद खान का बीजेपी पर हमला देखने को मिला। बीजेपी जो कहती है वो हो नहीं सकता है, 4 जून के बाद उन्हें पता चल जाएगा। ये बात शकील की ओर से कही गई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने घर चले जाएंगे, आरक्षण का हितैषी और विरोधी कौन है ये सब जानते हैं। बीजेपी के लोग पगलाहट में दे रहे हैं अनर्गल बयान। पीएम मोदी के बयान पर बोले हैं शकील अहमद खान, ऐसे शब्द पीएम पद की गरिमा को शोभा नहीं देते। जेडीयू सांसद संजय झा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, झूठ बोल रहे हैं संजय झा। अहमद खान ने कहा है कि झूठ बोलने वाले लोग झूठ बोलने वालों के साथ हैं। यह बात उनकी ओर से कही गई। तमाम आरोप उन्होंने खड़े किए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा है और जिन लफ्जियात का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। मुजरे की बात भी वही है, उन्होंने ही कही, किसी और ने तो नहीं कही। तो इस तरह के लफ्जियात का इस्तेमाल कौन कर सकता है? बिहार में जब पगला गई है ना, उनका ही असल बयान है। चेहरे की तमाम खुशियाँ रौनक ख़त्म हो गई, पसीने से परेशान हैं, परेशानी के आलम में अनर्गल बयान दे रहे हैं। उनका जहाँ जगह है वहीं जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इससे बड़ा झूठ, झूठों के तो मतलब उसी का खाते हैं, इससे बड़ी झूठ तो बात हो नहीं सकती। आरक्षण और संविधान के ऊपर हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर बिहार से ही कहा था, सारा डेलीगेशन में यहाँ गया था कि आप पूरे देश में जनगणना करवाइए, उन्होंने इनकार किया। तब बिहार को अपने शरय अपने ही तरफ से करवाना पड़ा, वो रिपोर्ट भी आई। तो आरक्षण के विरोध में वो है कि हम लोग हैं नंबर वन। संविधान के मामले में संविधान समीक्षा के बारे में बार बार कौन बयान दे रहा है? उनके उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनका बयान है कि इसके नंबर हमको इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। तो ये तो उनकी जो उनका जो पूरा इतिहास है, 1948 से उसकी मुखालफत करते चले आ रहे हैं। तो संविधान की मुखालफत उनके तमाम नेताओं ने किया है, गांधी जी की मुखालफत उन्होंने तो तमाम लोगों ने किया है। तो ये गोडसे के अनुयायी के देश का संविधान जो तमाम लोगों को बराबर की शिरकत देता है उसके खिलाफ वो है। तो उनका ये बयान अनर्गल है और पगलाहट में, उनके कहने से अगर देश और दुनिया बदल जाती तो उनके कहने से देश के नौजवानों को रोजगार भी मिल जाता, उनके कहने से किसानों की हालत भी अच्छी हो जाती, उनके कहने से महिलाओं की इज्जत भी बच जाती। तो जिस प्रकार का गवर्नेंस उन्होंने देश भर में दिया है तो उनके कहने से धरती हिल जाएगी, ऐसा है नहीं। इस बार 2 आदमी की घर वापसी हो रही है, वो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। वापस जाएंगे वो जहाँ से वो आए हैं, क्योंकि जनता का रुख, आम आदमी का रुख, नौजवानों का रुख, बेरोजगारों का रुख, किसानों का रुख, सब लोग परेशान हैं और परेशानी से निजात हासिल करना चाहते हैं। और उसी क्रम में आखिरी चरण का चुनाव है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ 2 जगह कार्यक्रम करेंगे, कल राहुल गांधी जी 3 जगह कार्यक्रम करेंगे। हम लोग अपनी कोशिश में, अपनी मुस्तैदी में, अपने कमिटमेंट में और अपने आर्गूमेंट में और अपने जो हमारा मैनिफेस्टो है उसकी गारंटी में कहीं से कोई कमी नहीं है। जनता हमारी तरफ बड़े पैमाने पर आ रही है, ऐसा विश्वास है।